गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्य बिरला परिसर से चौरास परिसर के अंदर तक बस सेवा संचालित करने को लेकर छात्रों का विवाद। चौरासपुर पर जमकर काटा हंगामा। हिमवती नंदन भोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय के मुख्य बिरला परिसर से चौरास परिसर के अंदर तक बस सेवा संचालित करने को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। छात्र संघ के पदाधिकारियों व छात्र छात्राओं ने चौरास परिसर के मुख्य प्रवेश मार्ग पर प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान आक्रोशित छात्रों ने मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया, जिससे चौरास परिसर में पढ़ने वाले छात्रों व शिक्षकों को परिसर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। छात्रों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों व पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों को साफ तौर पर कहना है कि जब तक परिसर के अंदर तक बस सेवा शुरू नहीं कराई जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से मद्देनजर बस कैंपस के भीतर तक पहुंचाना संभव नहीं है। छात्रों से वार्ता की जा रही है, जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। दो सालों से गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों की एक मांग जोर पकड़ रही थी, जो कि ये थी कि कैंपस टू कैंपस बस जाए, बस दोनों कैंपसों को लिंक करे। बस बिरला कैंपस के अंदर तो जा पाती थी, लेकिन चौरास कैंपस के अंदर बस नहीं आ पाती थी, जिसका कारण ये था कि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने चौरास परिसर के रस्ते में एक पत्थर को बैरिकेड के रूप में इस्तेमाल किया हुआ था, जिसकी वजह से ना तो हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय की बस और ना ही एम्बुलेंस इस रस्ते से जा पाती थी। जिस मांग को लेकर हम कल यहाँ पर 11 बजे हम लोग यहाँ पर पहुंचे। हम लोगों ने उस पत्थर को यहाँ से हटाया और जब हमने बस को अंदर ले जाने की कोशिश करी तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें रोका गया, जिसके बाद कई दौर की वार्ता चली, लेकिन वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं हमें गुमराह करता हुआ नजर आया, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने आंदोलन करने का फैसला किया। हम लोगों ने बस को यहीं पर रोका और अभी पिछले 21 घंटे से हम लोग यहीं एक्टिविटी सेंटर के बाहर पे ही आंदोलनरत है, और ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब ये बस कैंपस के अंदर जाएगी और विश्वविद्यालय प्रशासन हमें आश्वासन देगा कि बस कैंपस टू कैंपस दोनों कैंपसेस को लिंक करेगी, और यही हमारी मांग है। लेकिन जो विश्वविद्यालय सेफ्टी के लिहाज से अभी बस कैंपस तक पहुंचाना सही नहीं है। हमारी जो बात थी शासक अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले जब आया था मैडम से, मेरी पहली बात ये थी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो हमारी बसें जो चलती हैं श्रीनगर से चौरास की हमारी जो बसें चलती हैं, हमने पहले ये कहा था कि एक तो बीपेड एमपेड के जो छात्र हैं जिनकी 6:30 बजे जो क्लासेज जो छूटती है उनके लिए आप पहले जो है टाइमिंग बढ़ा दीजिए, जो आपकी बसें 4 बजे तक रहती है उसको 5:30 बजे तक आप टाइमिंग करिए। कल उन लोगों ने जो है बस का टाइमिंग बढ़वा दिया है, उस चीज का तो हम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके जो है इसको शुभकामनाएं मतलब ये करते हैं कि सभी छात्र छात्राओं। लेकिन जो दूसरी बात हमारी जो थी कि दोनों मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए थी। हमने कहा था कि जो विश्वविद्यालय की जो बसें हैं चौरास पुल तक आती है, इनका चौरास पुल से इनका परिसर के अंदर तक क्यों नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर, हमने कहा कि ठीक है आप बता रहे कि रास्ता हमारे पास खराब है, हमने कहा आप बस को घुमा के ले जाइए। दूसरा रास्ता हमने उनको बताया, हमने ऐसा नहीं कहा कि देखिए हमने आप लोगों के पास मांग रखी, हम लोगों ने मांग के साथ उनके साथ समाधान भी बताया कि कहाँ कहाँ से बसें जा सकती है। तो हमने अब बस ये रहा कि हमारी सबकी यहाँ पर छात्र छात्रों की मांग है, छात्र संघ के जो हमारे नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं हमारी सिर्फ ये मांग है कि जो विश्वविद्यालय की जो बस है वो पुल तक न जाए, वो पुल से वो हमारे परिसर के भीतर तक जानी चाहिए और तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो बस मतलब आज नहीं जाएगी। और उस बस में हम सबके सब आज यहाँ पर विश्वविद्यालय जो चौरास का परिसर है उसके अंदर हम सब लोग जाएंगे बस के लिए। लेकिन जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि जब तक आरटीओ पास नहीं हो जाती, टेक्निकलिटी बात कर रहे हैं। नहीं बता था टेक्निकली अगर वो बात बता रहे तो हमने उनको कहा था कि आप आरटीओ को भी बुला दीजिए। उन्होंने पहले कहा कि 2 तारीख को मीटिंग रखेंगे आरटीओ पीवीसी सर उसमें सब लोग रहेंगे। हमने कहा ठीक है 2 तारीख के बजाय आज हमारी मीटिंग नहीं हो सकती है। हमने कहा 2 तारीख को क्यों मीटिंग हम लगवाएं उसमें। तो उन्होंने कहा कि आरटीओ से अगर पास करवाना तो हमने कहा कि जो पीछे से जो घूम के जो रास्ता जाता है ये तो आरटीओ के पास पहले से पास है, तो आप इस रास्ते ही ले जाइए उस बस को। तो ये हमने कहा कि बरगलाने की जो बात विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है उस चीज को समाप्त करके आज छात्र जो यहाँ पर उग्र आंदोलन के लिए यहाँ पर तैयार है, तो हम इसीलिए तैयार है कि बस चौरास परिसर के भीतर तक हमारी जानी चाहिए। तो कल दिया जाएगा क्योंकि बच्चों को दिक्कतें भी हो रही है। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट रूप से पहले भी बोल दिया था 29 तारीख को हमें रास्ता बंद कर देंगे, और हमने सभी गाड़ियां यहां पे रोकी है। जिस तरीके से बच्चा यहां पे धूल खाते हुए पैदल ऊपर जाता है, यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर अधिकारी कर्मचारी व अन्य सभी लोगों को पता भी चलना चाहिए किस तरीके से क्या उनको समस्या होती है, इसलिए हमने रास्ता बंद किया है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है हम इसी तरीके से यहाँ पे रहेंगे और किसी भी गाड़ी को भीतर नहीं जाने देंगे रास्ते से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रास्ता हमारे विश्वविद्यालय की जागीर है, विश्वविद्यालय की है और विश्वविद्यालय बच्चों से छात्रों से।
जो प्रोफेसर या जो बच्चे कैंपस में पढ़ते हैं उन्हें दिक्कतें भी हो रही होगी। बिल्कुल हो रही होगी, पर कहीं ना कहीं हम ये लड़ाई उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में अगर एक दिन बच्चा आज क्लास नहीं भी जाता है तो ये है कि आने वाले 3 सालों 4 सालों में उनको सुविधा उस चीज की मिलने वाली है। विश्वविद्यालय के जो जिम्मेदार अधिकारी हो क्या वार्ता करने के लिए आ रहे, क्योंकि रास्ता ब्लॉक होकर बहुत बड़ी बात है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमसे अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात हुई कुछ अधिकारियों की, हम वार्ता करेंगे। अब देखते हैं किस प्रकार की वार्ता होती है, कितनी देर में वार्ता होती है, उस चीज के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। देखो ये तो जब से चौरास कैंपस बना है तो इस आज तो यहाँ पे अप्रोच टू व्हीलर ये पहले नहीं थी, लेकिन जो है ये समस्याएं तो है यहाँ पे, लेकिन रोड का जो अप्रोच बन रही है उस पर थोड़ा टाइम लग रहा है। वहाँ पे 3 दिक्कतें बहुत मुख्य हैं, एक तो वहाँ पे कर्ब है, दूसरा स्टीप स्लोप है, तीसरा जो है संकरी रोड है। इन 3 बातों को जो है इसका निराकरण करके जो है ये संभव हो सकता है कि वहाँ पे आगमन के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन बिना रिस्क के इस प्रकार के रिस्क लेकर के जो है हम विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना पड़ेगा। सर छात्र ने कल जो बोल्डर लगाया हुआ था पत्थर का वहाँ पे ब्लॉकिंग के लिए, उसे भी हटा दिया गया है, तो क्या जबरदस्ती बस ले जाने की कोशिश की गई है, तो इस चीज़ को किस तरीके से होगी? जबरदस्ती उन्होंने बस ले जाने की कोशिश की, लेकिन हमने जो है कल मेहमानी के साथ कम से कम हमारा जो है 3-3.5 घंटे उनसे वार्ता हुई है, हमने उनको बस को जो है अंदर आगे ऊपर जाने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि बस नहीं जाएगी, बस वहीं पर खड़ी है। ये बात अलग है, वो तो बोल्डर उन्होंने जो बोल्डर बड़ा जो पत्थर था वो हटा दिया वो अलग बात है, लेकिन अब बस ऊपर नहीं गई है, कैंपस में नहीं गई है, बस वहीं पे खड़ी है। सेफ्टी के लिहाज से अभी विश्वविद्यालय से कैंपस तक बस पहुंचाना सही नहीं मान रहे? नहीं, अभी तो कोई भी जो है जब लेमैन भी देखेगा तो वहाँ पे जो है 3 चीज़ें बहुत मुख्य रूप से साफ दिखाई दे रही है, एक तो वहाँ पे कर्व है, दूसरा वहाँ पे स्टीप स्लोप है, और तीसरा जो है संकरी रोड है। 3 बातों का निराकरण हो जाएगा तो निश्चित तौर से कोई नहीं बस निकल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आरटीओ जो है उस बस को जरूर जो है उसका मुआयना आरटीओ से हम जरूर कराएंगे। अच्छा, लेकिन बच्चे यहाँ पे आक्रोशित है, इन्हें किस तरीके से समझाने की कोशिश? बात करेंगे बच्चों से, बच्चे हमारे विश्वविद्यालय के हैं, उनसे बात की जा सकती है, ऐसा नहीं, बच्चे भी समझदार हैं, सभी समझदार हैं, और इन तमाम पहलुओं पे जो है बात करके जो विचार विमर्श करके जो है निश्चित तौर से कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा।